लो जी फटाफट गर्मा गर्म। ड्राइवर साहब बस जरा जल्दी निकालेंगे, मेरी बेबी प्रेग्नेंट है, उसे अस्पताल ले जाना है, जल्दी जल्दी प्लीज। देखो भाई साहब ये बस आधे घंटे बाद निकलेगी, ये रोडवेज का रूल है। क्यों और की, पहले जाते प्रॉब्लम बाद जाते प्रॉब्लम, साले प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। देख तू अभी जा और आधे घंटे बाद आ। आधे घंटे में तो मर जाएगी वो। तो हम क्या करें भाई साहब, गवर्नमेंट के वफादार नौकर जो है कानून नियम तो मानना ही पड़ेगा ना। गोविंद पाजी ओए उसके पास की नहीं जा रहा है। अरे वो तो हमसे भी ज्यादा कानून और नियम मानते हैं। गोविंद पाजी वो देखिए मेरी बीवी कैसे दर्द से तड़प रही है, उसकी हालत ठीक नहीं है, उसे जल्दी अस्पताल नहीं ले गए तो कुछ भी हो सकता है। आपकी बात तो सारा गांव मानता है, प्लीज आप इनको चलने के लिए कहिए ना, शायद वो मान जाए। वो तो ठीक है लेकिन कायदा कानून भी तो कुछ होता है ना। क्यों बाजी और की समझदार नहीं बेवकूफ कहीं का। तुम ऐसा करो अपनी बीवी के पास जाकर बैठो, बस सही वक्त पर निकलेगी, जाओ जाओ मेरी बात मानो। सबर कर पुत्र, अनु बहुत तकलीफ हो रही है, कुछ इंतजाम कर। तुम फिक्र मत करो, मैं और गाड़ी का बंदोबस्त करता हूं। जल्दी जा। पापा जी। हाँ जी। कितने पैसे हुए? 2 रुपए 12 ने जी। हाँ समझ गया प्राची। अरे इस दूध की चाय किसी को पिलाई तो नहीं? हाँ अभी अभी वो भाई लोग को दी है। आप लोगों ने चाय पी? हाँ क्यों की होया भाई? अरे इसमें तो चिपकली है, खैर होगा ना। अबे ओए अरे क्या करते हैं आप लोग हा? अरे प्राजी मैंने देखा ही नहीं, चाय पिलाते हैं सबको। तो मेरा जहर हो गया होगा, तो मैं क्या करूँ, ये दोनों तो मर जाएंगे। प्राजी महंगी पैगी प्राजी कहा जा रहे हैं? कहा जा रहे हैं? चलो जान दो, 80 बजे होंगे, अभी आधा घंटा बाकी है। हमें जाने दो भाई, हम मर जाएंगे। अरे आप लोग तो सरकार के वफादार नौकर हैं, नियम और कानून आप लोग तोड़ेंगे तो कौन रखेगा? अभी बस समय पर जाएगी आधे घंटे बाद। आधे घंटे में नहीं, आधे घंटे में तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ लेकिन अपने लिए नियम और कानून तोड़ोगे, उनके लिए नहीं है? अरे मेरे भाई हम उनको भी ले जाएंगे। आ मेरी माँ। हाँ सुनो 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 सुनो, दूध में चिपकली नहीं थी, मैं झूठ बोल रहा था, लेकिन आप उनको लेकर जरूर जाइए, समझे? जाओ चलो जाओ। अरे खोल, खोल। सुनो नियम और कानून इंसानों के लिए होता है, इंसान नियम और कानून के लिए नहीं होते। किसी की जान से बढ़कर कोई नियम कोई कानून कोई नौकरी नहीं होती, समझे? हम समझ गए, ऐसे याद रखेंगे पाजी। चलो गोविंद तुम सबके साथ तो इंसाफ करते हो, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हो? उठो ना गोविंद, कितना सोगे, सोते रहोगे क्या? हाँ उठो ना गोविंद, क्यों सो रहे हो? सो नहीं रहा हूँ, तुम्हारे साथ अपने सपनों की दुनिया में खो गया हूँ। मैं यहाँ आपके सामने बैठी हूँ और आप है के सपने देख रहे हैं, उठो ना। मैं 2 महीने ट्रेनिंग पे जा रही हूँ और पुलिस ऑफिसर बन के वापस आऊंगी, पर तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है, तुम सपने देख रहे हो, उठो ना। और क्या, कल तुम चली जाओगी, उसके बाद क्या करूँगा, सपने ही तो देखूंगा ना। बस कुछ ही दिनों की तो बात है, ऐसे ही गुजर जाएंगे, मैं यूं गई और यूं आई, तुम देखना। और हाँ लौटते ही सीधा स्टेशन से तुम्हारे घर आऊंगी और शादी करेंगे। क्या बात है, मेरे मन की बात तुम्हारे मन ने कैसे जानी? एक जो है मैं आज बहुत खुश हूँ गोविंद, अपनी सपनों की दुनिया में मुझे भी ले चलो ना।